बाद वोटिंग की करेंगे। कल 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। लेटेस्ट अपडेट मिलने तक लगभग 61% मतदान हुआ। यूपी हो, बिहार हो, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र, हर जगह पिछली बार से कम वोटिंग हुई। दोनों फेज की कम वोटिंग को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियां अपने आकलन भी कर रही हैं। कोई कह रहा है कि वोटिंग हमारे फेवर में है, तो कोई अपनी जीत के दावे भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया और कहा कि दूसरे चरण का मतदान शानदार रहा है, एनडीए को शानदार सपोर्ट मिला। मोदी ने खासतौर पर महिला और युवा वोटर्स का जिक्र किया, लेकिन सवाल है कि पिछली बार और इस बार के वोट में अंतर का मतलब क्या है? क्या ये वाकई 400 पार वाला परफॉर्मेंस है या फिर इंडिया अलायंस की टक्कर है? वोटिंग पैटर्न की एक एक डिटेल बताती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। चुनावी सीजन है, नेता दिन रात रैलियां कर रहे हैं, जनता उनकी बात सुनती है, बीच में चुनाव की तारीख पड़ जाती है, तब जाकर मुद्दों की याद भी आती है। मुद्दे आपके सनद रहे, इसीलिए हमने एक बोर्ड गेम तैयार किया है। इसमें वो सारे इश्यूज हैं जो आपको वोटिंग तक खींच कर ले जाते हैं। मुद्दे आपके, वोट आपका, नेता भी आपका। ईवीएम का बटन दबा, वोटर का निशाना कहां लगा? जो ओबीसी समाज के लिए 27% आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा इनके खाते में चला गया। ओबीसी के हक पर डाका डाला है, ओबीसी जातियों का आरक्षण छीनकर कांग्रेस अपने चहेते वोट बैंक को देना चाहता है। महंगाई बनाम मंगलसूत्र, मतदाता ने किसे दिया जीत का सूत्र? आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं, शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं। रोजगार बनाम शरिया, आपने क्या सोचकर वोट दिया? कांग्रेस के घोषणा पत्र में पर्सनल लॉ को हम आगे बढ़ाएंगे ये बात की। मैं राहुल गांधी जी को पूछना चाहता हूं, तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? किस प्रकार का पंथ निरपेक्ष संविधान आप इस देश में चाहते? विरासत बनाम विकास, अब की बार आम जनता को किससे आस? मुद्दा क्या था? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पार्टी से मजबूत लीडर होना चाहिए जो सीट निकाल। बेरोजगारी है, शिक्षा है और सफाई है, और जी लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है इस टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक नागरिक को समान नागरिक समझना चाहिए। देश की तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, मतलब एजुकेशन को लेके, सब चीज़ को लेके। जी मुद्दा कोई भी रहे, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई भी जीते, बस वो देश का विकास करे। आपने क्या सोच कर बोला? चेंज। पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 यानी 543 में से 190 सीटों पर चुनाव पूरा हो गया। वोटर निकले, लाइन में लगे, अपनी बारी का इंतजार किया, पोलिंग बूथ के अंदर गए, बटन दबाया और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर। मगर सवाल है, इस बार का वोटिंग पैटर्न कैसा रहा? 88 सीट पर पिछली बार के मुकाबले कितना मतदान हुआ? कुछ जगहों पर कम मतदान का क्या मतलब है? 35% सीट पर वोटिंग के बाद एनडीए का ग्राफ कितना बढ़ा? इन सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले अलीगढ़ का रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता स्नेहलता ने वोटिंग के बाद मुस्लिम समाज के लोगों से बात की, सरकार के काम पर या महंगाई के नाम पर। भाईजान का वोट आखिर गया कहां? तो क्या रहने वाले हैं वोट करने के? इस बार मुद्दे हैं जो है, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, महंगाई। मुद्दा क्या? रोजगार, महंगाई, शिक्षा, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य। तालीम का शहर है, यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस दुनिया में जाने जाते हैं। नहीं, वो तो जाने जाते हैं, फिर भी जो है गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनमें ऐसी तालीम, शिक्षा मंत्री भी यहीं से आते हैं जी, उनका जो है यहाँ पे कमी रह गई शिक्षा में। नहीं, जो गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें ऐसी शिक्षा क्या वो नहीं है?
जी क्या समझ में आ रहा है, क्या सोच के? हमारी समझ ये आ रहा है, बेरोजगारी है यहाँ पे, महंगाई है। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, जो 1000 का है, वो 1100 रुपए भी पहुँचा है। हर चीज पे महंगाई है, दूध पे, हर चीज पे GST लगा दी है। मुद्दा वही है, जो काम धंधे है नहीं आदमी के, और महंगाई बहुत हो रही है, यही मुद्दे हैं। और क्या, यही मुद्दों पर चल रहा है इलेक्शन, इसी मुद्दे पर चल रहा है। महंगाई, विकास, शिक्षा, गरीबी, स्कूल, अस्पताल, यानी वोटर के दिमाग में ये मुद्दे चस्पा तो रहते हैं, कैमरे के सामने खुलकर इजहार भी करते हैं। तो क्या वाकई जमीन पर हवा कुछ और है, या फिर मतदान केंद्र में जाकर मन बदल जाता है, लीडर की शक्ल याद आती है? पड़ताल तो इसकी भी होगी, लेकिन पहले वोटिंग पैटर्न का पूरा कैलकुलेशन। जिन 13 राज्यों की 88 सीट पर वोटिंग हुई, वहां चुनाव आयोग के आखिरी अपडेट तक वोटिंग परसेंट 2019 के चुनाव के मुकाबले कम दिखा। 2019 में उत्तर प्रदेश की 8 सीट पर 62% मतदान हुआ था। इस बार इस वोटिंग पैटर्न से क्या समझ आया? बिहार की 5 सीट पर पिछली बार 62.93% मतदान हुआ। इस बार वोटर निकले और आंकड़ों के शक्ल में ये मैसेज दिया। मध्य प्रदेश की 6 सीट पर 67.67% वोटिंग हुई थी। इस बार के पैटर्न से किसका नफा और किसे नुकसान? राजस्थान की 13 सीटों पर 2019 में वोट परसेंट 68.42% था। अब की बार रेगिस्तान में वोटों के रूप से क्या समझ आया? पश्चिम बंगाल की जिन 3 सीट पर वोट डाले गए, वहां पिछली बार 80% से ज्यादा मतदान हुआ था। इस बार मतदाता क्या देखकर वोट डालने पहुंचे, जो ऐसी फिगर सामने आए? आपका क्या नाम? खदीजा खातून। पहली बार वोट देने आई हैं जी? चूंकि आप फर्स्ट टाइम वोटर है, आपके लिए सबसे जरूरी मुद्दा क्या है, सबसे जरूरी बात क्या है जिसको आपने आज ध्यान में रखा? बिजली बिल भी ज़्यादा आता है और पानी मेरे तरफ नहीं आता है। आपको लगता है आपके इलाके में विकास हुआ है या नहीं हुआ? काम हुआ है? काम अब की बार कहाँ हुआ है? नहीं, अब की बार नहीं हुआ है। बदलाव जरूरी है? बदलाव नहीं चाहते हैं तो वही आदमी काम करे ना, बढ़िया करे काम। कि बदलाव ना हो, लेकिन जो काम, जो भी आपके सांसद है वो काम करे, काम करे। ये वो वोटर हैं जो अपने मुद्दे खुलकर जाहिर करते हैं। पहले कभी हिचक होती थी, लेकिन अब कैमरे के सामने पूरे कॉन्फिडेंट। वैसे जिन 88 सीट पर वोटिंग हुई, वहां पिछली बार का चुनाव नतीजा कैसा रहा, इससे भी दूसरे चरण की वोटिंग का थोड़ा बहुत पैटर्न समझा जा सकता है। 88 सीट में से 18 सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी लगातार 3 बार से जीत हासिल करती आ रही है। वहीं 8 सीटों पर कांग्रेस हैट्रिक लगा चुकी है। आमतौर पर दूसरे चरण में चुनाव का मोमेंटम दिखाई पड़ता है। पिछली बार इन 88 में से 51 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, 19 पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई थी। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न दिखा। इन 88 सीटों में से बीजेपी के पास 42 सीट थी, जबकि कांग्रेस के पास 19 सीट थी। सवाल है, इस बार वोटर्स, खासकर मुस्लिम तबके का मोमेंटम किधर था? क्या जहन में विकास था, या फिर विरासत टैक्स समेत दूसरे मुद्दे? आपसे जानना चाहूंगा, देख रहा हूं कि धूप है, गर्मी है, बावजूद इसके कतारों में लगे, और कतार भी ऐसी कि बेहद खूबसूरत है। जी सर, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि भाई आज समाज में जो है, जो जितने भी ये जैसे सफाई का मुद्दा है, पढ़ाई का मुद्दा है, इस तरह के हम इसे बदलाव चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हो दोपहर में भी लगे हुए, धूप में लगे हुए, मुद्दे के लिए लगे हुए, सही काम हो जाए। वोट की ताकत, समाज की ताकत से। सर, बेरोजगारी है, शिक्षा है, और सफाई है, और जी लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है इस टाइम पे, ये बहुत ज़रूरी है। हर एक नागरिक को समान नागरिक समझना चाहिए सरकार को। आपके लिए क्या मुद्दा है? यूथ हैं, देश की तरक्की हो, प्रोग्रेस हो, मतलब एजुकेशन को लेके, सब चीज़ को लेके। तो ये क्या सोचकर वोट डालने आए हैं, क्या मुद्दा है? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है इस टाइम, और मैं चाहती हूँ इसमें चेंजेस आए, हर सेक्टर में गवर्नमेंट वैकेंसी निकालो, उसे फील भी करें, यानी सिर्फ नोटिफिकेशन लगा छोड़ दें। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि वोट आए, सरकार चेंज हो, और कुछ ना कुछ अच्छा बदलाव आए। आपने जो वोट डाला, क्या वोट के पीछे की सोच? बेरोजगारी की वजह, बेरोजगारी है, काम नहीं है, पब्लिक परेशान है, इसलिए डाला वोट। क्या मुद्दा रहा आपके लिए? सर, बेसिकली एजुकेशन मेरा मेन पॉइंट है, जो मेरी एजुकेशन को सपोर्ट करे। एजुकेशन आजकल बहुत एक्सपेंसिव है, तो एजुकेशन पे थोड़ा रिलीफ मिले, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करे। क्या क्या मुद्दा रहा? अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है हर फील्ड में, पुलिस हो, रेलवे हो, एजुकेशन हो, टीचर्स हो, एवरी है। सर, मैम आपने क्या सोच कर? सर, विकास के लिए कि न्यू डेवलपमेंट हो, सब चीज़ यानी कि चेंजिंग होनी चाहिए,
और इस टाइम इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि एक 400 का सिलेंडर 1100 रुपए में मिल रहा है, कि मैं सरकार के कुछ काम के लिए बेहतरी समझती हूँ कि अच्छा है और कुछ काम अच्छा नहीं है। अलग अलग पोलिंग स्टेशन में मोहल्लों में वोटिंग का सैंपल साइज बता रहा है कि गर्मी से टक्कर लेते हुए 40 डिग्री के सामने डटकर मतदाताओं ने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। ये अलग बात है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा वोटर निकले। अब उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो लेटेस्ट अपडेट तक अमरोहा में 61.9% वोटिंग हुई। पिछली बार यहाँ 71% मतदान हुआ था। मेरठ में 55% से ज्यादा वोटर बाहर निकले। 2019 में ये आंकड़ा 64.3% था। चुनाव आयोग के लेटेस्ट अपडेट तक बागपत में 52.7% वोटर टर्नआउट रहा। 2019 में ये फिगर 64.7% थी। इसी तरह गाजियाबाद में 48% वोटर आए, पिछली बार 56% वोट पड़े थे। गौतम बुद्ध नगर में 51.7%, जबकि पिछली बार ये आंकड़ा 60% से ज्यादा था। बुलंदशहर में 54% से ज्यादा लोग वोट करने पहुंचे। 2019 के चुनाव में ये फिगर करीब 63% थी। अलीगढ़ में भी 54% मतदान, पिछली बार का वोटिंग टर्नआउट 61.7% था, जबकि मथुरा में आखिरी अपडेट तक 47% वोटर वोटिंग दे चुके थे। यहाँ पर लोगों ने जो है आप बता रहे हैं विकास के नाम पर वोट किया है। जी जी। आप बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? आशीर्वाद हुसैन। ये बताइए, जो मतदान किया है किन मुद्दों को सोच में दिमाग में रख करके मतदान किया है? मतदान यही सोच के कराएंगे, जो अच्छा विकास करेंगे वही देश को आगे बढ़ाएंगे, उन्हीं की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। हम भेदभाव किसी का कुछ नहीं मानते, हम हिंदू मुसलमान को भी नहीं मानते, सब भाई भाई हैं। जो काम करेगा वो ही अच्छा है हमारे लिए, जो काम करेगा, जो सरकार विकास करेगी वही अच्छा हमारे लिए। और लोग भी इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए चाचा, क्या नाम है आपका? शेर सिंह। शेर सिंह, ये बताइए किन मुद्दों पे मतदान हो रहा है आज? भाई जो अच्छा काम करेगा उस मुद्दे पे तो हिसाब जो बनेगा। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद जाविर। जाविर भाई, ये बताइए आज वोट करके आए आप? जी। आप किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया है? जैसा विकास चल रहा है ऐसे ही चलता रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, बढ़िया विकास चल रहा है। ये बताइए किन मुद्दों पर वोटिंग हुई आज, आपने वोट किया? मुद्दा यही है, विकास हो रहा है और आगे भी होना चाहिए, और रोजगार भी मिलना चाहिए। जैसे बेरोजगारी का मुद्दा हर बार उठता रहता है कि सरकार नौकरी नहीं निकाल ली है या ये नहीं हो रहा है, मतलब रोजगार पे भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, जो बेरोजगार है उनके लिए नौकरी निकली है ज्यादा से ज्यादा। आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके मतदान किया आज? बेरोजगारी पे ही करा। और क्या वोट? अच्छा, मतलब बेरोजगारी जो है एक समस्या है। आपसे 7 साल पहले काम कर रहे थे, फिर हमने अभी 30 रुपये मिल रहे थे, अब भी काम करें अभी 30 रुपये मिले और कम हो गए। क्या मुद्दे जहन में थे, क्या सोच विचार करके? सोच विचार करके तो हमने ये दिया है क्योंकि बेरोजगारी ज़्यादा है। हम तो मजदूर आदमी हैं, मतलब गांव में फेरी का काम करते हैं फलों का। जी। एक एक गांव में ना 10-10 गाँव में घूमते रहते हैं फिरते हैं। अच्छा। जो भैया पैसा ही ना, क्या करें, पब्लिक कहते हैं कि पैसा ही नहीं, बच्चों को कहाँ से लेके दे। हम फिर बता दें ये शाम 5 बजे तक के फिगर हैं, आगे आंकड़े और बढ़ सकते हैं। लोकसभा चुनाव में हर सीट के लिए पार्टी स्ट्रेटजी बनाती है, इस बार भी ये दिख रहा है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो देश की जनता के दिमाग में कौंधे लगे हैं। पहले चरण के मतदान के बाद अचानक बयानबाजी तेज क्यों हो गई? दूसरे चरण से ठीक पहले जाति, धर्म, भगवान, डरने डराने वाले बयान क्यों दिए गए? अगर मुद्दा वाकई विकास का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, तो फिर चुनाव को ध्रुवीकरण में धकेलने की कोशिश कौन कर रहा है? क्या वाकई वोटर जाति धर्म का चश्मा लगाकर पोलिंग स्टेशन पर पहुंचता है? आप भी वोट डालने यहां पर पहुंची हुई हैं, मुस्लिम है आप, तो कहीं ना कहीं जो है एक तुष्टिकरण की बात है, इस बार जो है कहीं ना कहीं कई मुद्दे ऐसे रहे हैं, आप किन मुद्दों को लेकर यहां पर वोट डालने आई हैं? जी, मुद्दा कोई भी रहे, हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि कोई भी जीते बस वो देश का विकास करे। जो बड़ी बात कह रही हैं आपकी, मतलब कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का विकास, देश का विकास हो, ऐसी पार्टी को ही? जी, हम यही उद्देश्य से ही आते हैं, चाहे कोई भी पक्ष जीते बस हमारा विकास हो उस चीज़ से। आप युवा हैं, आप किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डालने आई हैं? आप तो तिलक लगा के भी आई हैं। बेरोजगारी, विकास, इन सब चीज़ों के लिए ये मुद्दा होना चाहिए कहीं ना कहीं। हाँ, इस बार यही मुद्दा है क्या? बस चुनाव में एक एक वोट कीमती है, कई बार तो 50 वोट के अंतर से भी जीत हार का फासला हो जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां हार्डकोर सपोर्टर की बजाय स्विंग वोटर्स का जलवा दिखता है। अब आपको बताते हैं कि वोटिंग को लेकर बिहार से क्या आंकड़े आए। आखिरी अपडेट मिलने तक किशनगंज में 56% से ज्यादा वोटिंग हुई, यहां 68% मुसलमान है।
पिछली बार इसी सीट पर 66.4% वोट डाले गए थे। कटिहार में भी पिछला परफॉर्मेंस और अब की बार का वोट ट्रैकर अलग अलग दिखाई दिया। इस बार 55% से ऊपर तो पिछली बार 67% था। पूर्णिया में 57% से ज्यादा वोटर निकले। पप्पू यादव यहां से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। 2019 में 65% से ज्यादा यहां वोटिंग हुई थी। भागलपुर में 47.3% लोग मतदान केंद्र तक पहुंचे। पिछली बार यह आंकड़ा 57% से ज्यादा था। जबकि बांका में आखिरी अपडेट मिलने तक 49.5% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया था, जबकि इसी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में 58% से ज्यादा वोटर टर्नआउट था। सरकार किसी का भी हो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। ये जात पात छोड़ के उठ के मतलब सरकार को सोचना चाहिए कि देश किस तरह से आगे बढ़ेगा और विकास अच्छा से अच्छा कैसे होगा। केंद्र में सरकार अच्छा होना चाहिए, धर्म से दूर रहना चाहिए, जिससे जाति धर्म का लड़ाई इस तरह नहीं होना चाहिए। अमन चैन जो हम लोग का देश में शांति होना चाहिए। सांसद ऐसा हो कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, और लोगों बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब का मुद्दा है। बिहार में कोई रोजगार नहीं है। आदमी जो है घर छोड़ के जो है दिल बाहर जाता है खटने के लिए, अपना पेट पालने के लिए जब बाहर जाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि अपने देश में ही हम लोग रोजगार करके कुछ खाएंगे। हम महिलाओं से ही बात करने की कोशिश करेंगे। बेरोजगारी से सब घूम रहा है, सबको रोजगार मिले वैसा ही सरकार को हम लोग को इस बार चाहिए। बहुत महंगाई है, 1% का चीज खरीदते हैं उसमें GST लग जाता है हम लोग को, तो वैसा सरकार जो GST को कम करे, महंगाई को कम करे, विकास करे देश का, उसी को हम लोग चाहिए। वैसे एक सच ये भी है कि चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक जाति या एक धर्म का कार्ड नहीं चलता, दूसरे पक्ष के वोट में सेंस जरूरी है। क्या ये मतदान 400 पार का इशारा करता है, इसे मजबूत करता है, या इंडिया लाइंस की टक्कर का? देखा जाए तो आजकल बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई है। हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट रोजगार तो होना चाहिए, आज के युवा को रोजगार मिले। और दूसरा, जगह जगह धर्म के इस चीज़ों के नाम पे लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। हमें धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए, हमें लोगों के लिए जागरूकता चाहिए, विकास चाहिए। बेरोजगारी भी है, रोजगार नहीं है, और सफाई नहीं है, महलों के अंदर कहीं भी सफाई नहीं है, बहुत बुरे हाल में, आप जाके देखिए। सरकार में जो है मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई बहुत हो गई है इसमें, तो इसलिए मतलब सोच रहे हैं कि भाई ये सरकार मतलब बदल जाए, कोई दूसरी सरकार आए, तो उसमें देखते हैं कि मतलब वो सरकार क्या करती है हमारे लिए। महंगाई बहुत है, गैस सिलेंडर 900 रुपये का हो चुका है, 950 रुपये का, 450 रुपये का था, इसलिए आपके बदलाव चाहते हैं। हमारा जो शहर है वो स्मार्ट सिटी बने, हमारा ये सपना है, इस अधिकार को हम पूरा करना है विश्वास से अपने। हाँ बिल्कुल, विकास के ऊपर वोट करना है और सही प्रत्याशी चुनना है जो हमारे लिए काम कर सके। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ बहुत लोग जागरूक नजर आ रहे हैं, तो वो तो अच्छी बात है, जागरूक होना ही चाहिए। तय जनता को करना है, कर भी रही है, और इसी के फाइनल नतीजे आपको 4 जून को सबसे पहले ABP न्यूज पर ही देखने को मिलेंगे। पश्चिम बंगाल की चुनावी रणभूमि में जय मां दुर्गे और जय मां काली के जयकारे लगे। खुद PM मोदी ने मालदा उत्तर की रैली में ये जय घोष किया। बांग्लादेश की सीमा से लगे इस लोकसभा क्षेत्र में घुसपैठ की समस्या आम है। PM मोदी ने इसको लेकर TMC पर तीखा हमला भी किया, तो जवाब में दीदी ने फौरन हिसाब बराबर कर लिया। उन्होंने कहा कि इस बार वो बंगाल से BJP का विसर्जन यानी कि सफाया कर देंगी। भारत माता की। मां बोने देरे गॉड जोन। जय मां काली, जय मां दुर्गा। मालदा की धरती से प्रधानमंत्री मोदी ने मां दुर्गा काली का नाम लिया, जयकारे लगाए और संदेश खाली का जिक्र करते हुए मां माटी मानुष की बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस पर शक्ति का संधान कर दिया। BJP सरकार ने मुस्लिम बहनों को अत्याचार से बचाने के लिए 3 तलाक खत्म किया, तो TMC ने इसका विरोध किया। संदेश थाने में महिलाओं पर इतने अमानवीय अत्याचार हुए और TMC सरकार मुख्य आरोपी को बचाती रही। निशाना सटीक बैठा। जवाब में ममता बनर्जी ने BJP के विसर्जन यानी सफाई की सौगंध उठा ली। मां बोने देरे गॉड जोन, छात्र जुबो देरे गॉड जोन,
কৃষক শ্রমিকের গর্জন। बांग्लादेश से सटे मालदा में सीमा पार से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा रहा है, जिस पर बीजेपी ममता बनर्जी को घेरती भी रही है। इस बार ये मुद्दा उठाकर पीएम मोदी ने टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस पर भी करारा प्रहार किया। टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कैसा कंपटीशन चल रहा है। टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लाकर बसाने का काम करती है और कांग्रेस आपके संपत्ति ऐसे वोट बैंक में बांटने की बात कर रही है। जिस वक्त मोदी मालदा से टीएमसी और कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे, करीब करीब उसी समय मिदनापुर में चुनावी सभा कर रही ममता बनर्जी ने बीजेपी को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी। आगामी 2024 निर्वाचन बीजेपी देश থেকে হবে খালি, বাংলা থেকে হবে খালি, সব কোটাকে করব খালি, তার কারণ ওরা দেশ বেঁচে দেবে, দেশকে রক্ষা করবে না। लेकिन मोदी अपनी लाइन लेंथ पहले से तय करके आए थे। आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ऐसा लगता है या तो पिछले जन्म में मैं बंगाल में पैदा हुआ था या तो अगले जन्म में बंगाल की किस माँ के गोद से पैदा होने वाला हूँ। हर परिवार में जाकर के कहना मोदी जी ने आपको जय श्री राम भी कहा है। 42 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 2 से 18 सीट तक पहुंची थी, इस बार 35 का आंकड़ा छूना चाहती है। तीसरे दौर के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज महाराष्ट्र और गोवा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएम की रैली होने वाली है। शाम 7 बजे साउथ गोवा में प्रधानमंत्री हुंकार भरेंगे। तो देखिए अब तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। बीजेपी के तमाम दिग्गज अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देंगे। प्रधानमंत्री का पूरा मिशन आज क्या रहेगा, कहां कहां पर वो होंगे, उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 5 बजे महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रैली करने वाले हैं। शाम 7 बजे साउथ गोवा में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी।